ई कॉमर्स का आपको जनरल सा आइडिया हो गई, ई कॉमर्स क्या चीज होती है ना? पता है किसी को? किसी को पता हो तो ऐसे बता दो, ई कॉमर्स किसे बोलते हैं, कौन बताएगा? बिमला, जब किसी उत्पाद को इंटरनेट के द्वारा से मतलब बेचा जाता है। उत्पाद को इंटरनेट की हेल्प से बेचा जाता है। हाँ बहुत अच्छे, उसी को बोलते हैं हम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक में ये सारी चीजें आ जाती है। इसमें हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, चाहे वो इंटरनेट हो या कंप्यूटर नेटवर्क। कॉमर्स में दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, बाय करना और सेल करना दोनों हो जाता है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई मतलब फिजिकल आइटम भी हो सकती है, और कोई सर्विस भी हो सकती है। सर्विस मतलब, सर्विस का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई अपने सर्विसेज देता है, जैसे नाई है तो बाल काटता है ना, तो वो एक सर्विस हुई है। या कोई सीए है तो वो आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, तो वो सर्विस हुई। डॉक्टर है तो वो कंसल्ट करता है, तो वो एक सर्विस हुई। तो उनको सर्विसेज बोलते हैं। तो ऑनलाइन भी सर्विसेज ऐसे दी जाती हैं, ऑनलाइन भी कंसल्टिंग होती है, तो उस वो भी ई कॉमर्स के ही पार्ट आ जाता है। और उसके लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट हो गया या कंप्यूटर नेटवर्क जो है, इनकी हेल्प ली जाती है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है वो आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है इनका यूज करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली इसमें हम फंड ट्रांसफर करते हैं, और जो सप्लाई चेन होती है उसका मैनेजमेंट हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, मार्केटिंग इसका हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं, जो भी लेन देन होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो होता है ईडीआई, इसका यूज करते हैं, और जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो बनाते हैं। मतलब इन सब का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो भी हम सारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो सारी ऑनलाइन जो होती है या इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होती है। यानी कि इवन हम अगर कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसमें इंटरनेट में ही उसकी हम मार्केटिंग भी करते हैं, जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती है वो भी ऑनलाइन होती है, जो भी डाटा इंटरचेंज होता है दो कस्टमर के बीच में, कस्टमर और सेलर के बीच में, वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हो, वो ऑनलाइन ही आपको ऑर्डर की कंफर्मेशन देता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब कि आपके पास क्या सामान है, जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो इंटरनेट के ऊपर, कितना सामान बचा है, कितना सामान आपका स्टोर में पड़ा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सेल पे लगा दिया, ऑर्डर आ गया आपको 5,000, और पता चला कि हमारे पास तो 500 ही चीजें पड़ी हैं। तो ये सिस्टम को जिस तरीके से बनाया होता है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी भी अपने आप ही अपडेट होती रहती है। तो जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल बेचने आते हैं वो 5 मिनट में सारे मोबाइल बिक जाते हैं, फिर अगले फिर दोबारा सेल लगती है, तो वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली जैसे वो सेल होती रहती है, ऑर्डर आते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट करता रहता है। ऐसे दुकान में क्या होता है, दुकान में अगर जाएंगे तो अगर कोई सामान बेच रहा है दिन में, तो दिन में वो सामान बेचेगा, और रात को बैठ के अपनी इन्वेंटरी को चेक करेगा कि आज मैंने इतनी लो चीनी बेची तो मेरे पास इतनी बची, और साथ में ऑटोमेटिक वो अपडेट नहीं होती रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें सारा कंप्यूटर से मैनेजमेंट होता है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंटरी जो होती है उसको भी साथ में ही अपडेट करता रहता है, तो वो मैनेजमेंट भी होता रहता है। आजकल का जो ई कॉमर्स होता है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो आपका नेट होता है उसको यूज करता है। वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज होगा ही होगा। इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल होता है, मतलब ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल की, यूजर गया, उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर पहुंचा, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, उसने फिर ऑर्डर को पेमेंट की, उसने ऑर्डर को फिर भेजा आपको, कहीं ना कहीं मतलब पूरी जो ट्रांजेक्शन की जो लाइफ साइकिल होती है इसमें पूरे में कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट का यूज होता ही है। और इसके लिए आपका मोबाइल यूज कर सकते हो, टेलीफोन यूज कर सकते हो, या ईमेल यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के बिना नहीं होती। पहले वो टेली मार्केटिंग होती है ना, वो भी एक ई कॉमर्स का पार्ट है। जैसे टीवी में आते हैं ना वो जंतर यंतर तंत्र, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, वो पतले होने की दवाई, मोटे होने की दवाई, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि फोन करो, वो नंबर देते हैं, बोलते हैं कि आप इस नंबर पे फोन करो, हम आपको होम डिलीवरी दे देंगे। तो वो भी एक पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ही है, उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आप फोन के थ्रू भी करते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। लेकिन मॉडर्न ये बोल रहा है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, मॉडर्न आजकल का जो ई कॉमर्स है उसमें कहीं ना कहीं मन नेट का यूज करते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरनेट आया तभी आपका ई कॉमर्स आया, इंटरनेट नहीं था तब भी ई कॉमर्स था, तब टेलीफोन के थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते थे, टेलीफोन के थ्रू वो ऑर्डर लेते थे, और वो आज भी करते हैं, क्योंकि कई जगह के ऊपर अभी भी बड़े सारे लोग जो वो इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कॉमर्स जो होती है ये तो आपका थोड़ा दोबारा से मैं इसको पॉइंटों को रिवाइज कर दूं कि ई कॉमर्स क्या होती है, कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें हम इंटरनेट का यूज करते हैं या हम टेलीफोन का यूज करते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई पार्ट जो होता है वो हम ऑनलाइन जो है वैसे कंप्लीट करते हैं, चाहे वो ऑर्डर देने का पार्ट हो या पेमेंट करने का पार्ट हो, तो कोई ना कोई पार्ट जो होता है हमारे ट्रांजेक्शन का उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। और सिंपल जैसे बिमला ने बताया था कि हम
जब ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं या खरीदते हैं या किसी सर्विस को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है, जैसे हम करते ही हैं, दुकान में जाते हैं और वहां पर हम सामान खरीदते हैं, उसमें और जो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स है, इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ई कॉमर्स जो होता है इसमें हम जो भी सामान या सर्विस का लेन देन करते हैं उसमें डिजिटल मोड होता है, यानी कि हम कोई डिजिटल डिवाइस का यूज करते हैं, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो सर्विस हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कोई ना कोई यूज करते हैं। इसमें हम चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो जिसमें कस्टमर सामान या सर्विस जो खरीदता है वो अपने घर में बैठ करके खरीदता है और उसकी जो डिलीवरी होती है वो भी उसे घर में उसके दरवाजे के ऊपर हो जाती है। तो इसमें ये होता है जो ई कॉमर्स होता है कि बंदा अपने घर में बैठ करके अपना मोबाइल यूज करके ऑर्डर प्लेस करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है और उसके घर में वो प्रोडक्ट आराम से पहुंच जाता है। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में जैसे हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें दुकान के ऊपर जाना पड़ता है। दुकान में जाकर के हम क्या करते हैं, फेस टू फेस पर्सन से डीलिंग करते हैं। जो भी दुकानदार होता है या कोई सर्विस लेनी है तो फेस टू फेस उससे हम बातचीत करते हैं। फिर उसके कोई तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दुकान में खुद जाना पड़ता है, फेस टू फेस किच-किच करनी पड़ती है, फिर वो है ना रेट रूट के ऊपर फिर वो वैसे हम चीजें ले। इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? ई कॉमर्स जो होती है वो उसमें डिजिटल ऑनलाइन मोड होता है कम्प्लीटली। इसमें हम ट्रेडिशनल जो होता है वो एक लाइन ऑफलाइन होता है जिसमें पर्सन फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से से हम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मतलब इसकी रीच बहुत बड़ी होती है जियोग्राफिकली। जैसे आप कोई सामान मंगाते हो तो आपको वो तमिलनाडु से सामान आ जाएगा, लेकिन आप तमिलनाडु नहीं जा सकते हो, अगर वहां जाएंगे ऐसे खरीदने तो बड़ा टाइम लगेगा, या किसी से मंगवाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ई कॉमर्स की वजह से अब आपको, या आप तमिलनाडु में बैठे हो या आप हिमाचल में बैठे हो और आपने बोला कि अरे मैंने अनारदाना बेचना और आप अनारदाना यहाँ पर बैठ करके दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी डिलीवरी दे सकते। आप एक सेलर बन जाओ अमेजोन के ऊपर, कोई हो सकता है महाराष्ट्र से आपका अनारदाना खरीदने के लिए ऑर्डर देगा तो आप यहाँ से सप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसे अगर आप एज ए फार्मर अगर आपने बेचना होगा तो आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल तरीके में यहीं पर जो आपसे खरीदने आएगा वो जितना रेट बोलेगा उसको उतने रेट में आपको वो चीज देनी पड़ेगी। लेकिन ई कॉमर्स में आप क्या कर सकते हो, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। एक जगह पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर महंगा सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पर अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप दूसरी मार्केट में बेच सकते हो ना। तो इस तरीके से आपके लिए मतलब जियोग्राफिकली आपका एरिया जो होता है खरीदने का समझ लो या बेचने का समझ लो, अगर आप कस्टमर हो तो खरीदने का भी हो सकता है और बेचने का भी हो सकता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये लिमिटेशन हमेशा रहती है कि इसमें जियोग्राफिकल एरिया जो होता है बड़ा स्मॉलर होता है। एक दुकानदार की जो रीच होती है वो 5-6 किलोमीटर ही होती है, उससे ज्यादा वो दूर तक सामान नहीं बेच सकता। 5-6 किलोमीटर के एरिया के बीच में वो अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकता है और वो भी वही प्रोडक्ट प्लेस करता है जो लोगों की जरूरतें होती है, हिसाब किताब होता है। जो उस एरिया में रहने वाले लोग है अगर वो लोगों को वो चीज अच्छी लगेगी तो वो रख पाएगा, नहीं तो नहीं रख पाएगा उसको। इसमें जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। हम आप अपनी कोई एड वगैरह देने होती तो डिजिटल तरीके से देते हैं या ईमेल वगैरह यूज करते हैं। ट्रेडिशनल जो होता है उसमें हमें अगर अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, पैम्पलेट लगाने पड़ेंगे, अखबारों में छपा के देना पड़ेगा, है ना, बोर्ड लगाने पड़ेंगे कि हमारी दुकान वहां पर है, यहाँ पर सस्ता ये मिलता है वो मिलता है। लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन होगी तो आप इन झंझटों से छुट्टी पा लेंगे, आप अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन ये अपनी एड प्लेस कर देंगे या लोगों को ईमेल करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप मेरे इससे आप इतने रेट में इतने सस्ते आप खरीद सकते हो। इसका ये फायदा होता है, दुकान होगी तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक बताने में, लोगों तक उस बात को पहुंचाने में। नेक्स्ट आता है आपका कि ई कॉमर्स में आपकी जो वन टू वन मार्केटिंग होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसमें आप एक पर्सन के को आप मार्केटिंग कर रहे हो। मतलब वन टू वन में क्या होता है कि आपको एक ईमेल आएगी जो उनसे, तो उसमें लिखोगा डियर अजय है ना, यू आर लुकिंग फॉर मोबाइल फोन, हियर इज द वेरी लेटेस्ट मोबाइल फोन लिस्ट यू कैन चूज फ्रॉम। तो आपको लगेगा यार भाई साहब ने मेरे लिए इतनी बड़ी ये मेल लिखी। फिर आप देखोगे मेल, इसमें हम एक एक कस्टमर को वो उसकी जो प्रेफरेंस होगी, उसकी जो चॉइसेज होगी, उस हिसाब से मार्केटिंग करें। मतलब उसको बुलाकर उसको ईमेल लिख करके, ऐसे आपको भी आती होंगी ईमेल ऐसे अमेजोन की फ्लिपकार्ट वालों की, अगर आपने रजिस्टर करा होगा तो वो वन टू वन मार्केटिंग होती है। उसमें स्पेसिफिक जो कस्टमर होता है उसकी जो खरीदने की वो होती है कि क्या खरीदना चाह रहा है, आजकल क्या क्या सर्च कर रहा है, उस हिसाब से हम उसको टैकल करते हैं, उसको उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए। उसमें बन वही होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने वही बेचना है। तो आप कोई भी कस्टमर होगा, आप बेच रहे हो सपोज तरबूज,
तरबूज। अब आपके दुकान के सामने बंदा आ गया तो आप बोलोगे तरबूज ले लो, आपको मतलब नहीं कि उसे तरबूज पसंद है कि नहीं पसंद, हो सकता वो तरबूज खाता ही नहीं हो, लेकिन आप बोलोगे ले लो इतने का है, ले लो इतने सस्ता है, ये इतना ऐसा है, हरा तरबूज है, अंदर से लाल भी होगा। आप अपने प्रोडक्ट को उसको मतलब गले में डालने की कोशिश करोगे कि बोले ले ले, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में वो देखता है कि यार आप कल मेरी साइट पे आए थे और आप मोबाइलों की सर्च कर रहे थे, तो वो समझ जाता है कि इस बंदे को मोबाइल की जरूरत है, तो आपको जो मेल भेजेगा ना वो मोबाइलों की भेजेगा, वो तरबूज नहीं भेजेगा कि ये खरीद। तो वो जब ऐसी चीज नहीं आपको खरीदने के लिए वो जबरदस्ती करते हो, फिर आप कस्टमर क्या होता है इरिटेट हो जाता है, मैंने खरीदना नहीं क्यों, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ई कॉमर्स में ये फायदा होता है कि इसमें वन टू वन मार्केटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो सामने वाला जो यूजर होता है उसकी जो सर्च प्रेफरेंस होती है, उसने जो जैसा आपकी वेबसाइट के ऊपर जिन जिन चीजों को उसने ब्राउज किया उस हिसाब से हम उसको एक उसके हिसाब से एक मेल बना करके या कोई और तरीके से उसको उसी चीज के लिए कि भाई ये चीज है आप खरीद लो, या उन्हीं चीजों के बारे में उसको बताते हैं। हम उसको ऐसा नहीं बताएंगे कि ये नहीं तो ये खरीद ले, ये नहीं तो ये खरीद ले। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में दुकानदार की भी अपनी दिक्कत होती है, उसे भी नहीं होता पता कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर क्या खरीदना चाह रहा है। दुकानदार ने तो वही बेचना जो उसकी दुकान में पड़ा है ना, और उसकी दुकान में ट्रेडिशनल जो कमर्स होता है उसमें दुकान की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई किरियाने वाला तो बेचारा किरियाना बेचेगा, कोई मोबाइल वाला तो मोबाइल ही बेचेगा। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है ना, ई कॉमर्स में जाओगे तो आपको हर चीज मिलेगी, तो हर चीज बेचते हैं। अगला आता है आपका कि पेमेंट, कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो इसमें आप जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हो वो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसमें पैसों का जो लेन देन होता है वो ऑनलाइन होता है, और बाकी आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, जब आपको सामान आएगा तभी आप कैश दोगे, लेकिन ट्रेडिशनल में हमेशा कैश ही पेमेंट होती है। ट्रेडिशनल में अब तो चलो कार्ड से भी हो जाती है, पर इतना नहीं है अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है, जो बड़े बड़े मॉल वगैरह बात तो चलो अभी कर रहे हैं है ना, लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल कमर्स होती है, ट्रेडिशनल कमर्स में जाने वाले जो लोग होते हैं वो कैश से ही लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन हमेशा अभी भी कैश से ही है। लेकिन जो आपकी ई कॉमर्स है इसमें पैसों की कोई वो है ही नहीं जरूरत, इसमें आप सारी ट्रांजेक्शन जो होगी वो आपकी ऑनलाइन ही होगी। तो इसका फायदा ये होता है कि जैसे आज सपोज आपके यहाँ पैसे नहीं है, आपने कोई सामान मंगवाना है, बैंक जा नहीं सकते, एटीएम में कोरोना बैठा हुआ है, आप ऐसे ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको कोई पैसों से टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास सामान भी आ जाएगा। दूसरा आता है कि आप जो डिलीवरी होती है ना, इसकी ई कॉमर्स की डिलीवरी होती है इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, खासकर या ऐसी जगहों के ऊपर कि वहां पर हमें सामान को लेने में 5 से 10 दिन भी लग जाते हैं, कई जगह पे 2 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन जो बड़े शहर है जैसे जो मेट्रो सिटी है वहां पर 1 दिन में हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में आपकी हो जाती है कि आज आपने ऑर्डर दिया तो दूसरे दिन आपको वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, मतलब डिपेंड करता जो भी लॉजिस्टिक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो आपकी मेट्रो सिटी है मेट्रो सिटी में आपको इसकी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है इसमें आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉमर्स जो होता है इसमें आपको फायदा है, जैसे आपकी चीनी खत्म हो गई ना तो आप ऑर्डर करोगे तो चीनी आएगी दूसरे दिन, दूसरे दिन तक आप चाय नहीं पी सकोगे, तो इसके लिए आपको दुकानदार के पास ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जीतता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स की जरूरत हमें रहेगी, क्योंकि जो इंस्टेंट डिलीवरी है वो सिर्फ ट्रेडिशनल कॉमर्स ही दे सकता है, जो हमारे साइड में जो दुकानदार है अगर हमें कोई चीज खत्म हो जाती है, नमक खत्म हो जाता है या कोई साबुन खत्म हो जाता है या शैम्पू खत्म हो जाता है, तो हम वहीं से ले सकते हैं एकदम, ऐसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ना ऐसे टाइम लगेगा, ऑनलाइन में दूसरा दिन लगेगा या पर 5-10 घंटे तो लग ही जाएंगे, कोई कितना भी फास्ट होगा और कसोग है तो यहाँ पर और भी ज्यादा। तो डिलीवरी के पॉइंट जो है, डिलीवरी के पॉइंट जो है वो आपके ट्रेडिशनल कॉमर्स को मिलते हैं कि हमें कोई चीज इंस्टेंटली चाहिए तो हमें दुकानदार के पास जाओ और वहां से खरीद के ले आओ, लेकिन अगर आप पहले से प्री प्लान करके चलते हो तो फिर आप ऑर्डर कर दो, फिर उस हिसाब से वो चीज आ जाएगी। और ई कॉमर्स के साथ लोग ज्यादातर ई कॉमर्स में क्यों आकर्षित होते हैं, ई कॉमर्स के लिए क्यों ज्यादातर ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद करते हैं, उसका कारण है ये अगला पॉइंट, क्योंकि हम ई कॉमर्स में जाते हैं उसका मेन रीजन होता है डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, है ना, ये ज्यादा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है हमें कि हम कोई मोबाइल है या कोई और चीज है वो हमें वहां पर ज्यादा डिस्काउंट पे मिल जाती है। जितनी मतलब अगर आप ट्रेडिशनल दुकान में जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो जो भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक चीजें है ना, बाकी चीजों को तो पता नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जैसे मोबाइल, टेलीविजन या और भी हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, लैपटॉप होते हैं या टैबलेट होते हैं, वो हमें काफी सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन। ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर को ज्यादातर डिस्काउंट। जूते कपड़े भी मिल जाते हैं पर उसमें धोखा भी हो जाता है। लेकिन मोबाइल वगैरह में काफी 2-3 हजार का जो कस्टमर होता है उसको 2-3 हजार का जो है आराम से फायदा हो जाता है। उसका कई और भी रीजन होते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स वाला दुकानदार होता है उसको काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो इसलिए वो इतना डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं जितना डिस्काउंट एक ऑनलाइन जो है वो सेलर जो है वो आपको दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स जो है वो आपको एक डायरेक्ट एक्सेस देता है कस्टमर केयर सर्विस की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है या हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है तो हम डायरेक्टली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनसे हम बातचीत करके उनको हम बता सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में अगर ठीक से नहीं चले कोई चीज तो जाकर के सीधा दुकानदार के सर पे मार देते हैं। दुकानदार या तो आपको डरा धमका के आपको बोलेगा कि ले जा नहीं लूंगा वापस, या फिर आप डरा धमका करके उसको वापस कर दोगे चीज। कॉमर्स में क्या होता है, हम सामान वगैरह अगर हमें पसंद नहीं आए तो हम उससे ऑनलाइन उनसे बातचीत करके उसको वापस भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। हर ज्यादातर प्रोडक्ट जो होते हैं हमें 7 से 15 दिन का एक पीरियड देते हैं कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता या जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं निकलता तो रिटर्न भी कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। वो मतलब आपको प्रोडक्ट खरीदते टाइम उस चीज को देखना पड़ेगा, वहाँ वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है उनकी रिटर्न पॉलिसी होती है, तो उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ज्यादातर। जैसे आपने कोई शैम्पू की बोतल मंगवाई और वो टूट गई तो आप ऑनलाइन उसको दोबारा से वो आपको रिटर्न कर वो दे दे, लेकिन वो दुकानदार नहीं करेगा, बोलेगा नहीं ये मरने आप ये आपने खराब कर दिया, ये इसकी पैकिंग खोल दी, अब मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा, मैं नहीं इसको वापस ले सकता। वो ज्यादातर ऐसी चीजों को वापस नहीं लेते हैं, कुछ चीजों को ले भी लेते हैं लेकिन ज्यादातर चीजों को वो मना ही करते हैं कि ये नहीं, हम हमारे सर पड़ जाएगी, हमें इसके पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होता है कि ई कॉमर्स में हमें ज्यादा वैरायटी मिलती है ना, कोई भी चीज खरीदनी हमने ई कॉमर्स में, चाहे मोबाइल ही खरीदना हो उसमें हमें ज्यादा वैरायटी मिलती है, काफी किस्म के मोबाइल मिल जाते हैं हमें, काफी ज्यादा कंपनीज के मिल जाते हैं। जबकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में किसी भी दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर कंपनी के मोबाइल को वो रखे, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में क्योंकि वो सीधा अलग अलग दुकानदार अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो हमें ज्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो हम एक मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हो उसमें हमें अलग अलग काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल मिल जाते हैं। जैसे अभी आप अपने कसोग में जाओगे आप ढूंढोगे कि चलो कोई नोकिया का मोबाइल खरीदते हैं, तो आपको हो सकता है कि नोकिया का मोबाइल बेचने वाला एक भी सेलर नहीं मिले, सारे सैमसंग के बेच रहे हो। तरीके से ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है, इसमें प्रोडक्ट की लिमिटेशन होती है, लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि दुकानदार हर किस्म हर प्रोडक्ट को नहीं रख सकता। तो ये तो थे इसकी दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन था कि ट्रेडिशनल और जो आपका ई कॉमर्स होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये तो वैसे भी पता ही आपको ना। तो आगे है टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कितने टाइप की होती है। ई कॉमर्स जो होती है मेनली 4 टाइप की होती है। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। B2B में क्या होता है कि इसमें आप जो कंपनियां होती हैं वो एक दूसरे को सामान ऑनलाइन सामान बेचती हैं। जैसे एक कंपनी है तो वो दूसरी कंपनी को ऑनलाइन ही ऑर्डर करेगी और ऑनलाइन ही उसको वो सामान आ जाएगा। जैसे आपने कोई फर्म लगाई तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए है ना, तो आपने रॉ मटेरियल के लिए दूसरी फर्म में जाओगे, ऑनलाइन उसको ऑर्डर करोगे तो ऑनलाइन ही वो आपको रॉ मटेरियल दे देगी। तो ऐसे इंडिया मार्ट करके एक indiamart.com करके एक साइट है, तो उस साइट के ऊपर जाकर के हम ऐसी चीजें रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सकते हैं। तो उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी से सामान खरीद के अपना काम चला, उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आगे होता है B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर जो होती है ये है ई कॉमर्स जिसको हम यूज करते हैं थ्रू आउट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बिजनेस होते हैं वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी कंपनी होती है वो अपनी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है। डायरेक्टली का मतलब कि इसमें होलसेलर रिटेलर वगैरह कुछ नहीं होते हैं। कंपनी आती है वो बोलती है कि ये हमने चीज बनाई, जैसे रेड MI वाले आए उन्होंने बोला कि हमने मोबाइल बनाया है हमने इसको बेचना है, तो सीधा आपको आप साइट पे जाओगे ऑर्डर प्लेस करोगे आपको वो मिल जाएगा। तो ये बिजनेस टू कस्टमर की बिजनेस सीधा कस्टमर को बेचता है ना, बीच में रिटेलर होलसेलर वगैरह वगैरह कुछ नहीं आते। इस वजह से प्रोडक्ट भी सस्ता पड़ता है आपको क्योंकि बीच में कम लोग होते हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो इतना उसमें और कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं जुड़ती है। तो ये जितनी भी आपकी कंपनी अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जो है जो ई कॉमर्स की कंपनी आप देखते हैं ये सारी जो है वो बिजनेस टू कस्टमर वाली कंपनी है। इसके अलावा आती है आपकी दो और
कस्टमर टू कस्टमर, जिसमें क्या करते हैं कि कस्टमर एक दूसरे को सामान बेचते हैं, ये तो सुना ही आपने, ये तो ये इसमें क्या करता है कि आप कस्टमर हैं, मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास कोई सामान पड़ा है, मेरे पास कोई मोबाइल पड़ा तो मैंने ये मोबाइल दूसरे बंदे को बेच देना, तो एक कस्टमर टू कस्टमर भी एक तरह का ई कॉमर्स होता है। तो इसकी वेबसाइट होती है जैसे ट्विटर, OLX वगैरह होती है ना, सुनी ही है इनकी एड, इसमें हम पुराने सामान जो होते हैं अपने पुराने सामानों को बेचते हैं, तो उसमें अपना सामान लिखा देते हैं कि यार ये मेरा टेबल है अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो दूसरा बंदा आएगा बोलेगा अच्छा दिखा ला, फिर वो उसको खरीद लेगा। इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर जिसके पास वो प्रोडक्ट, उसने उसके पास पुराना प्रोडक्ट पड़ा या कैसा प्रोडक्ट पड़ा है, उस प्रोडक्ट को दूसरे बंदे को बेच देता है। तो इसमें कोई कंपनी नहीं होती है, कोई कंपनी उन प्रोडक्ट को बना नहीं रही होती, इंडिविजुअल लोग होते हैं जिनके पास वो चीजें पड़ी होती है, उनको उनकी जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करती है उन चीजों को साइट के ऊपर डाल देंगी, और साइट के ऊपर कोई पर्सन आएगा जिसको लगेगा कि अरे भाई मुझे जरूरत है, इस टेबल की जरूरत है या मुझे इस मोबाइल की जरूरत है, वो क्या करेगा उस टेबल या मोबाइल को ऑर्डर प्लेस करेगा, वो देखेगा कि अच्छा है तो वो उसको खरीद ले। ऐसे होता है कस्टमर टू बिजनेस। अब कस्टमर टू बिजनेस में क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर है, कोई बिजनेस है, उसको उसने सामान बेचना है, तो उसको बोलते हैं C2B। इसमें क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है वो कस्टमर क्या हो सकता है कि जैसे कोई आप कोई स्टोरी राइटर, आप स्टोरीज लिखे हो या कोई पोइम लिखे हो, तो आप उसको जो बिजनेस है कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, तो उसको बेचना हो, तो ये हुआ कस्टमर, आप हुए कस्टमर जो वैसे खरीदने वाले हो, लेकिन आप क्योंकि चीजें बना भी रहे हो, फ्रीलांसर हो, आपने अपना जो सामान है वो आपने उस बिजनेस को बेच दिया। या आप कोई कोई चीज बनाते हो, आप क्या करते हो कि आप जैसे छोटी सी चीज बनाते हो, आप कोई दाने बनाते हो आप, लेकिन आप नहीं बेचना चाहते हो अपनी कंपनी के नाम से, कोई और कंपनी है वो पैकिंग कुकिंग करके वो अपने नाम से बेचे, तो आप क्या करोगे उस कंपनी को अपना सामान बेच दोगे, फिर वो कंपनी उस सामान को आगे बेच, वो होता है कस्टमर टू बिजनेस की, जिसमें कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करता है, लेकिन क्योंकि उसकी वो प्रोडक्ट और सर्विस इतनी ज्यादा बड़ी इसमें नहीं होती है, तो वो अपनी कंपनी नहीं बनाई होती, तो वो सामान को किसी कंपनी को बेचता है। जैसे आप होते हैं ना, आप छोटे छोटे किसान होते हैं, तो उनके पास थोड़ी पैदावार होती है, तो वो क्या करते हैं बड़े किसान को देते हैं कि आप जाकर के मंडी में बेचाओ, मैं अगर मैं गया खुद इसे बेचने तो मेरा तो किराया इतना लग जाना, तो वो क्या करता है कि अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको बड़े किसान को देता है, फिर वो अपने जो और 10 बोरियां उसमें एक बोरी और डाल ले, वो होता है कस्टमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अगर कोई सर्विस है या कोई जैसे कोई आप घर में बैठ के आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप डिजाइन करते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप उस प्रोडक्ट को आपने किसी बिजनेस को बेचना, कोई कंपनी है वो ग्राफिक डिजाइन खरीदती है या आपको देती है कि आप ऐसा डिजाइन बना के दो, तो घर बैठे आप ऐसे डिजाइन बना के उनको आप बेच रहे हो, तो वो हुआ कस्टमर टू बिजनेस। इसे भी ये तो चार तरह के ये टाइप ऑफ कॉमर्स आते हैं। आगे देखेंगे हम एडवांटेज, ई कॉमर्स की एडवांटेज क्या है। एडवांटेज वही होंगी जो हमने भी थोड़ी देर पहले जो इसमें पढ़ी, जो कंपैरिजन कर रहे थे, जो कंपैरिजन में पढ़ा वही है एडवांटेज भी इसकी, कि ई कॉमर्स हमें एक ग्लोबल रीच देती है, एरिया ऑफ बिजनेस काफी बड़ा मिलता है, मतलब हम किसी भी इतनी दूर अपने सामान को बेच सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। जैसे अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस से आप दुनिया के किसी भी हिस्से, चीन से सामान मंगवा सकते हो डायरेक्ट, तो ऐसे करके हम कहीं से भी आप सामान मंगवा सकते हो, थोड़ा सा उसमें वो ज्यादा लगता है कि लाने ले जाने का खर्चा ज्यादा पड़ जाता है कई बार, तो इसमें दूसरा क्या होता है कि इसमें हमारी ई कॉमर्स में कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी कम होती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों कम होती है कि अगर हम ट्रेडिशनल दुकान से कोई सामान खरीदने जाते तो वो ज्यादा पैसे लेने होते हैं उसने, क्योंकि दुकानदार की भी अपनी दिक्कत होती है, उसने अगर कोई दुकान खोलता है तो उसको दुकान का किराया देना है, उसने अगर प्रोडक्ट रखा तो उस प्रोडक्ट को स्टोर होगा तो स्टोर का भी उसको रेंट देना है, उसने नौकर रखा होगा उसको भी उसने पेमेंट देनी है, उसका जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है ना दुकानदार का, वो कम होता है। तो अगर कोई एक मोबाइल की दुकान खोलता है तो उसको वो सस्ता नहीं देता आपको मोबाइल, क्योंकि उसे अपना दुकान भी चलानी है, उसने बिजली का बिल भी देना है, अगर कोई हेल्पर रखे उसको भी उसने सैलरी देनी है, सामान को लाना ले जाना उसका भी उसने खर्चा उठाना है, तो उसको वो आपको 14,000 का मोबाइल है तो वो 14,000 में बेचेगा तभी उसको फायदा हो। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं सीधा कंपनी सामान बेचती है, तो कंपनी जैसे ही अपना प्रोडक्ट क्रिएट करती है तो उसे ना स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, ना उसे दुकान की जरूरत पड़ती है, वो सीधा वहां से आपको डिलीवर कर देते हैं, तो जो भी तो इसलिए आपको वो प्रोडक्ट जो है वो 14,000 का मोबाइल होगा तो वो आपको 11,000 का पड़ जाएगा, 12,000 का पड़ जाएगा। तो इसलिए जो ई कॉमर्स में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम इसलिए होती है क्योंकि वो कंपनी से सीधा आपको मिलता है ना, बिजनेस टू कस्टमर है, B2C मॉडल है ये, बीच में कहीं स्टोरेज नहीं होगी, कहीं पर कोई रिटेलर नहीं होगा, होलसेलर नहीं होगा, तो आपको ये सीधा जाता है इसका। और दूसरा क्या होता है कि इसमें आपको प्रोडक्ट खरीदने में आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब आपको होम डिलीवरी हो जाती है, आपको अपना घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ता है, या आपको बड़ी सारी दुकानें नहीं ढूंढनी पड़ती है कि बड़ी सारी दुकानों में जाओगे आप, फिर आप वहां पर सर्च करोगे, फिर अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन अपनी सर्च करते हो, ऑनलाइन आपको जहां पर अच्छा
अच्छा लगता है, आप अपना एड्रेस देते हो और आपके घर में वो आपको, तो आपको ये दिक्कत नहीं होती। अगर आप बिजी हो तो आपको ये दिक्कत नहीं होती, कस्टमर की एनर्जी सेव हो जाती है। कस्टमर को अपने घर का एसी छोड़ करके गर्मी में बाहर नहीं जाना पड़ता है ना, दुकानों में नहीं घूमना पड़ता है, तो उसको फायदा हो जाता है कि उसे अपने मनपसंद प्रोडक्ट जो वो घर में ही होम डिलीवरी हो जाती है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है कि आप 2400 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब शॉपिंग आप 2400 घंटे जा सकते हो, खोल सकते हो, वेबसाइट में ब्राउज कर सकते हो, है ना। दुकान में बड़ी दिक्कत होती है, दुकान का एक तो टाइमिंग होती है, ऊपर से क्या होता है कि आप किसी दुकान में घुस गए तो आपको मतलब लेना ही पड़ेगा कुछ ना, ऐसा नहीं कि पूरी दुकान में घूमे और बाद में बोल रहा कुछ नहीं हम पैसे आए थे। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है ना, अमेजोन पे गए मजे से ड्रेस देखते रहे एक घंटा ड्रेस, बाद में बोल रहा हमने नहीं खरीदनी है ना जा। लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल कॉमर्स में दुकानदार नाराज हो जाए, कह रहा है इतने सारे सूट इसने करवा लिए, खरीदा एक नहीं, तो वहां फिर कंपल्सन हो जाती है कि यार एक रुमाल तो खरीद ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो लेकिन इसका ये फायदा होता है कि आप 2400 घंटे सातों दिन आप इसमें शॉपिंग कर सकते हो, जब आपका मूड करे, रात को मूड करे कि यार चलो अब ये खरीदना, उसी टाइम आप अपना मोबाइल उठा करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो। एड के बाद आपको इसमें क्या होता है कि आप जो बिजनेस होता है उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप सीधा कंपनी से खरीदते हो या कोई सेलर होते हैं उनसे खरीदते हो, तो उसमें आपका जो ट्रांजैक्शन होती है वो भी बड़ी जल्दी होती है, और अगर आपको बीच में कुछ दिक्कत होती है तो वो भी आप जल्दी से रिजोल्व कर सकते हो। जैसे आप एमआई से फोन खरीदोगे, एमआई वाले खुद बेचेंगे, तो अगर आपको दिक्कत होगी तो आप सीधा उनको फोन करोगे, उनका कस्टमर केयर उठाएगा कि मेरा फोन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, यहाँ क्या होगा, यहाँ करोगे तो बोलेगा मैं कंपनी वालों को भेजूंगा, मैं वहां पर करूंगा वो करूंगा। तो वो उसमें क्या होता है कि जो इसमें ई कॉमर्स में जो कंपनीज, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अपना प्रोडक्ट खुद बेचती हैं, अगर प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आती है, कुछ ऐसा होता है, तो हम सीधा उनके साथ लिंक हो सकते हैं।